तो आप बैटिंग करने के तैयार है बोचहा विधानसभा सीट पे? देखिए मैं 5 साल सेवा के रूप में सेवा दी हूँ बोचहा में, और सेवक के रूप में मैं लगातार काम कर रही हूँ। 2020 में गठबंधन में मेरा सीट चला गया। बेबी कुमारी जी, आपसे एक सवाल है। सांसद अजय निषाद आपके लिए पिच तैयार कर रहे हैं लगातार बोचहा विधानसभा सीट को लेकर के, लगातार वो मुकेश सहनी पे हमलावर है, उनकी पार्टी से वीआईपी से विधायक थे, अब आपकी बारी है, आप क्या कहना चाहेंगे इस पे? मैं एक संगठन की मैं कार्यकर्ता के रूप में मैं काम कर रही हूँ। हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद अजय निषाद जी यहाँ की सांसद है, और यह वो राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है और प्रदेश के उपाध्यक्ष है, तो ये तो खुद बड़ा चेहरा है, तो ये बोलने के लिए तो स्वतंत्र है। तो आप बैटिंग करने के लिए तैयार है बोचहा विधानसभा सीट पे? देखिए मैं 5 साल सेवा के रूप में सेवा दी हूँ बोचहा में, और सेवक के रूप में मैं लगातार काम कर रही हूँ। 2020 में गठबंधन में मेरा सीट चला गया। भाजपा ने बोचहा सीट भाजपा का था, लेकिन हम लोगों ने एक समझौते के तहत वीआईपी को दिया। इस बार मुजफ्फरपुर के जिला अध्यक्ष होने के नाते मैं अपने शीर्ष नेतृत्व से आग्रह करूंगा कि भाजपा बोचहा का चुनाव लड़े, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा वो मान्य होगा। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता शीर्ष नेतृत्व के निर्णय के साथ बोचहा के चुनाव में जाएंगे। कार्यकर्ताओं का कहना है, कार्यकर्ता देखिए कोई भी दल चाहता है कि हम वहाँ से चुनाव, हमारे कार्यकर्ता हमारे जो भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं वो चाहते हैं कि हम वहाँ से चुनाव लड़े, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व का निर्णय होगा उसका हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा पालन करते हैं, आगे भी पालन करते हैं। कुछ ऊंचा नीचा होता है, लेकिन इस बार इसलिए तो हम लोग प्रारंभ से ही प्रयास में हैं कि वो सीट हमारे कोटे में आए, और हम प्रयास हम लोग कर रहे हैं, हम लोग मांग भी किए हैं। एक सर्वसम्मति से पूरे बोचहा विधानसभा का एक बैठक किया गया था जिसमें सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया गया था। हम लोगों ने एक सर्व निर्णय लेकर के प्रदेश नेतृत्व को बताया है, फिर प्रदेश नेतृत्व और राष्ट्रीय नेतृत्व जो निर्णय लेगी हम लोग उसके साथ जाएंगे। आपने बताया था कि कोई और पार्टी आएगी तो भाजपा उसे हराने का काम करेगी, नहीं कार्यकर्ता हमने नहीं कहा था कि हमारा नहीं काम किया, हम लोग एनडीए को जिताने का काम पहले भी किया, और एनडीए हमारा गठबंधन है, हम एनडीए का सबसे बड़ा घटक है। तो इसका एक प्रक्रिया होती है, सबसे पहले जब चुनाव का यहाँ घोषणा हो, चुनाव से अभी घोषणा नहीं हुआ है, अभी तो यूपी का चुनाव होगा, उसके बाद इसके हमको लगता है प्रस्तावित मई जून के आसपास में ये चुनाव होगा। भारतीय जनता पार्टी का जो है जिला लेवल से यहाँ पर नाम आएगा, फिर प्रदेश जाएगा, प्रदेश से फिर वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास जाएगा। जो प्रक्रिया है जो मेरा शीर्ष नेतृत्व तय करेगा कि कौन चुनाव लड़ेगा और कौन पार्टी। चलिए बेबी जी, एक मेरा 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 सीधा सा सवाल है, बड़े में पूछिए, यूपी में योगी आदित्यनाथ जी का सरकार फिर बनेगी, पूरी बहुमत की सरकार बनेगी? आप कब जा रही हैं यूपी? नहीं जा रही हूँ। वो जहाँ को लेकर क्या दावेदारी है या उम्मीदवारी की? मैं तो सेवा के रूप में लगातार काम कर रही हूँ, वो चाहे की दावेदारी की क्या बात है, जो हमारे शीर्ष नेतृत्व तय करेगी वही होगा। चलिए अध्यक्ष जी, आप कुछ बोलिए। बीजेपी की कार्यकर्ता हूँ मैं, कैसे कहूँ वीआईपी से भी तो टिकट का प्रयास आपने किया था? नहीं, पिछली बार की बात किसी हॉल में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था आपने कि नहीं मिला टिकट, टिकट बेचा जा रहा है, अगर फिर टिकट बेचा जाएगा तो क्या इस बार बेबी कुमारी खरीद पाएंगे? मेरी पार्टी इतनी कमजोर नहीं है, मेरी अपनी पार्टी पर पूरा भरोसा है, पार्टी जो निर्णय लेगी वो उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। देवी जी बोल रहे थे कि बोचहा सीट काफी प्रमुख केंद्र बिंदु बन गया है, एनडीए में अभी भी वीआईपी पार्टी है, अगर वीआईपी पार्टी वहां से अगर वो टिकट अपने प्रत्याशी को देती है, उस स्थिति में आप अपनी दावेदारी प्रस्तुत करेंगे? मैं एक बार कह तो रही हूँ कि यूपी के चुनाव के बारे में बात करिए, 10 मार्च के बाद हमसे बात करिएगा बोचहा पर। 10 मार्च के बाद ऐसी संभावनाएं हैं? मैं तो बार बार अरे उम्मीद पे दुनिया कायम है। चलिए शहनवाज हुसैन भी आपका नाम बोले हैं कि अजय निषाद हमारे सबसे बड़े निषाद के नेता हैं, और मुकेश सहनी लगातार यूपी में चुनाव का ताल ठोक रहे हैं, तो आप क्या कहेंगे? माननीय शहनवाज जी का आभार है, कोई भी नेता जो चुनाव तब जाता है जब वो चुनाव लड़ता है। चुनाव एक सवाल है कि जनता ने जो भरोसा दिया, जो हमारे दिलों का नहीं रहे, अब जनता
जनता का क्या रूप है, क्या फिर से आप लोगों को याद कर रही है जनता, क्या कुछ आप प्रत्येक चौपाल समाचार को मैं बराबर देखती हूँ कि आप लोग प्रत्येक पंचायत और गांव ग्राम में जाते हैं, क्या फीडबैक आ रहा है आप अपने दीप प्रधान सर से पूछिए कि क्या जनता का क्या डिमांड है। आपको आता है सच का आईना।